याकूब की पत्री पांचवां अध्याय। हे धनवानों सुन तो लो, तुम अपने आने वाले क्लेशों पर चिल्ला कर रो। तुम्हारा धन बिगड़ गया और तुम्हारे वस्त्रों को कीड़े खा गए। तुम्हारे सोने चांदी में काई लग गई है और वह काई तुम पर गवाही देगी और आग की नाई तुम्हारा मांस खा जाएगी। तुमने अंतिम युग में धन बटोरा है। देखो जिन मजदूरों ने तुम्हारे खेत काटे उनकी वह मजदूरी तो तुमने धोखा देकर रख ली है, चिल्ला रही है और लमने वालों की दोहाई सेनाओं के प्रभु के कानों तक पहुंच गई है। तुम पृथ्वी पर भोग विलास में लगे रहे और बड़ा ही सुख भोगा। तुमने इस बध के दिन के लिए अपना हृदय का पालन पोषण करके मोटा ताजा किया। तुमने धर्मी को दोषी ठहराकर मार डाला, वह तुम्हारा सामना नहीं करता। सो हे भाइयों, प्रभु के आगमन तक धीरज धरो। देखो गृहस्थ पृथ्वी के बहुमूल्य फल की आशा रखता हुआ प्रथम और अंतिम वर्षा होने तक धीरज धरता है। तुम भी धीरज धरो और अपने हृदय को दृढ़ करो, क्योंकि प्रभु का शुभागमन निकट है। हे भाइयों, एक दूसरे पर दोष न लगाओ ताकि तुम दोषी न ठहरो। देखो हाकिम द्वार पर खड़ा है। हे भाइयों, जिन भविष्यवक्ताओं ने प्रभु के नाम से बातें की उन्हें दुख उठाने और धीरज धरने का एक आदर्श समझो। देखो हम धीरज धरने वालों को धन्य कहते हैं। तुमने अय्यूब के धीरज के विषय में तो सुना ही है और प्रभु की ओर से जो उसका प्रतिफल हुआ उसे भी जान लिया है, जिससे प्रभु की अत्यंत करुणा और दया प्रकट होती है। पर हे भाइयों, सबसे श्रेष्ठ बात यह है कि शपथ न खाना, न स्वर्ग की, न पृथ्वी की, न किसी और वस्तु की, पर तुम्हारी बातचीत हां की हां और नहीं की नहीं हो, कि तुम दंड के योग्य न ठहरो। यदि तुम में कोई दुखी हो तो वह प्रार्थना करे, यदि आनंदित हो तो वह स्तुति के भजन गाए, यदि तुम में कोई रोगी हो तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करें, और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा, और यदि उसने पाप भी किए हों तो उनकी भी क्षमा हो जाएगी। इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। एलिय्याह भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था, और उसने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना की कि मेह न बरसे, और 3.5 वर्ष तक भूमि पर मेह नहीं बरसा। फिर उसने प्रार्थना की तो आकाश से वर्षा हुई और भूमि फलवंत हुई। हे मेरे भाइयों, यदि तुम में कोई सत्य के मार्ग से भटक जाए और कोई उसको फेर लाए, तो वह यह जान ले कि जो कोई किसी भटके हुए पापी को फेर लाएगा। भजन संहिता अध्याय 120। भजन संहिता अध्याय 120। संकट के समय मैंने यहोवा को पुकारा और उसने मेरी सुन ली। हे यहोवा, झूठ बोलने वाले मुंह से और छली जीभ से मेरी रक्षा कर। हे छली जीभ, मुझको क्यों मिले और तेरे साथ क्या क्या अधिक किया जाए। वीर के नोकीले तीर और झाऊं के अंगारे, हाय हाय, क्योंकि मुझे मेशेक में परदेश होकर रहना पड़ा और केदार के तंबुओं में बसना पड़ा है। बहुत काल से मुझको मैल के बैरियों के साथ बसना पड़ा है। मैं तो मेल चाहता हूं, परंतु मेरे बोलते ही वे लड़ना चाहते हैं। इतिहास की पुस्तक पहला भाग अध्याय 6। इतिहास की पुस्तक पहला भाग अध्याय 6। लेवी की वंशावली और लेवियों के वासस्थान। लेवी के पुत्र गेरशोन, कहात और मरारी, और कहात के पुत्र अमराम, इसहार, हेब्रोन और उज्जियल, और अमराम की संतान हारून, मूसा और मरियम, और हारून के पुत्र नादाब, अबीहू, अलियाजर और इतामार, इलियाजर से पिनहास और पिनहास से अबीशू, अबीशू से बुक्की और बुक्की से उज्जी, उज्जी से जरह्याह, जरह्याह से मरायोत, मरायोत से अमरियाह, अमरियाह से अहितूब, अहितूब से सादोक, सादोक से अहिमास, अहिमास से अजरियाह,
अजरियाह से योहानान और योहानान से अजरियाह उत्पन्न हुआ, जो सुलेमान के यरूशलेम में बनाए हुए भवन में याजक का काम करता था। फिर अजरियाह से अमरियाह, अमरियाह से यहीतूब, यहीतूब से सादोक, सादोक से शल्लूम, शल्लूम से हिल्कियाह, हिल्कियाह से अजरियाह, अजरियाह से सरायाह और सरायाह से यहोसादाक उत्पन्न हुआ। और जब यहोवा यहूदा और यरूशलेम को नबूखदनेस्सर के द्वारा बंधुआ करके ले गया, तब यहोसादाक भी बंधुआ होकर गया। लेवी के पुत्र गेरशोम, कहात और मरारी, और गेरशोम के पुत्रों के नाम ये थे, अर्थात लिबनी और शिमी, और कहात के पुत्र अमराम, इसहार, हेब्रोन और उज्जियल, और मरारी के पुत्र महली और मूशी, और अपने अपने पितरों के घरानों के अनुसार लेवियों के कुल ये हुए, अर्थात गेरशोन का पुत्र लिबनी हुआ, लिबनी का यहत, यहत का जिम्मा, जिम्मा का योआह, योआह का इद्दो, इद्दो का जेरह, और जेरह का पुत्र यातैर हुआ। फिर कहात का पुत्र अम्मीनादाब हुआ, अम्मीनादाब का कोरह, कोरह का अस्सीर, अस्सीर का एलकाना, एलकाना का एव्यासाप, एव्यासाप का अस्सीर, अस्सीर का तहत, तहत का उरियल, उरियल का उज्जियाह, और उज्जियाह का पुत्र शाऊल हुआ। फिर एलकाना के पुत्र अमासय और अहिमोत, एलकाना का पुत्र सोपय, सोपय का नहत, नहत का एलियाब, एलियाब का यरोहाम, और यरोहाम का पुत्र एलकाना हुआ, और शमूएल के पुत्र उसका जेठा योएल, और दूसरा अबियाह हुआ। फिर मरारी का पुत्र महली, महली का लिबनी, लिबनी का शिमी, शिमी का उज्जा, उज्जा का शिमा, शिमा का हगियाह, और हगियाह का पुत्र असायाह हुआ। फिर जिनको दाऊद ने संदूक के ठिकाना पाने के बाद यहोवा के भवन में गाने के अधिकारी ठहरा दिया, वे ये हैं। जब तक सुलेमान यरूशलेम में यहोवा के भवन को बनवा न चुका, तब तक वे मिलाप वाले तंबू के निवास के सामने गाने के द्वारा सेवा करते थे, और इस सेवा में नियम के अनुसार उपस्थित हुआ करते थे, जो अपने अपने पुत्रों समेत उपस्थित हुआ करते थे, वे ये है, अर्थात कहातियों में से हेमान गवैया, जो योएल का पुत्र था, और योएल शमूएल का, शमूएल एलकाना का, एलकाना यरोहाम का, यरोहाम एलियल का, एलियल तोह का, तोह सूप का, सूप एलकाना का, एलकाना महत का, महत अमासय का, अमासय एलकाना का, एलकाना योएल का, योएल अजरियाह का, अजरियाह सपन्याह का, सपन्याह तहत का, तहत अस्सीर का, अस्सीर एव्यासाप का, एव्यासाप कोरह का, कोरह इसहार का, इसहार कहात का, कहात लेवी का, और लेवी इसराइल का पुत्र था, और उसका भाई असाप, जो उसके दाहिने खड़ा हुआ करता था, वह बेरेक्याह का पुत्र था, और बेरेक्याह शिमा का, शिमा मिकायल का, मिकायल बासेयाह का, बासेयाह मल्कियाह का, मल्कियाह एतनी का, एतनी जेरह का, जेरह अदायाह का, अदायाह एतान का, एतान जिम्मा का, जिम्मा शिमी का, शिमी यहत का, यहत गेरशोम का, गेरशोम लेवी का पुत्र था, और बाई ओर उनके भाई मरारी खड़े होते थे, अर्थात एताव जो किशी का पुत्र था, और किशी अब्दी का, अब्दी मल्लुक का, मल्लुक हशब्याह का, हशब्याह अमस्याह का, अमस्याह हिल्कियाह का, हिल्कियाह अमसी का, अमसी बानी का, बानी शेमेर का, शेमेर महली का, महली मूशी का, मूशी मरारी का, और मरारी लेवी का पुत्र था, और इनके भाई जो लेवीय थे वह
परमेश्वर के भवन के निवास की सब प्रकार की सेवा के लिए अर्पण किए हुए थे, परंतु हारून और उसके पुत्र होमबलि की वेदी और धूप की वेदी दोनों पर बलिदान चढ़ाते और परम पवित्र स्थान का सब काम करते और इसराइलियों के लिए प्रायश्चित करते थे, जैसे कि परमेश्वर के दास मूसा ने आज्ञाएं दी थी। और हारून के वंश में ये हुए, अर्थात उसका पुत्र एलियाजर हुआ और एलियाजर का पिनहास, पिनहास का अबीशु, अबीशु का बुक्की, बुक्की का उज्जी, उज्जी का जरह्याह, जरह्याह का मरायोत, मरायोत का अमरयाह, अमरयाह का अहितूब, अहितूब का सादोक और सादोक का अहिमास पुत्र हुआ। और उनके भागों में उनकी छावनियों के अनुसार उनकी बस्तियां ये है, अर्थात कहात के कुलों में से पहली चिट्ठी जो हारून की संतान के नाम पर निकली, अर्थात चारों ओर की चराइयों समेत यहूदा देश का हेब्रोन उन्हें मिला, परंतु उस नगर के खेत और गांव यपुन्ने के पुत्र कालेब को दिए गए और हारून की संतान को शरण नगर हेब्रोन और चराइयों समेत लिब्ना और यत्तीर और अपनी अपनी चराइयों समेत एशतमो, हिलेन, दबीर, आशान और बेथशेमेश और बिन्यामिन के गोत्र में से अपनी अपनी चराइयों समेत गेबा, अल्लेमेत और अनातोत दिए गए। उनके घरानों के सब नगर 13 थे और शेष कहातियों के गोत्र के कुल अर्थात मनुष्य के आधे गोत्र में से चिट्ठी डालकर 10 नगर दिए गए। और गिरशोमियों के कुलों के अनुसार उन्हें इस्साकार, आशेर और नप्ताली के गोत्र और बाशान में रहने वाले मनुष्य के गोत्र में से 13 नगर मिले। मरारियों के कुलों के अनुसार उन्हें रूबेन, गाद और जुबलून के गोत्रों में से चिट्ठी डालकर 12 नगर दिए गए। और इसराइलियों ने लेवियों को ये नगर चराइयों समेत दिए और उन्होंने यहूदियों, शिमोनियों और बिन्यामिनियों के गोत्रों में से वे नगर दिए जिनके नाम ऊपर दिए गए हैं। और कहातियों के कई कुलों को उनके भाग के नगर एप्रेम के गोत्र में से मिले, सो उनको अपनी अपनी चराइयों समेत एप्रेम के पहाड़ी देश का शकेम जो शरण नगर था, फिर गेरेज, योकमाम, बेथोरोन, अयालोन, गत्रिमोम और मनुष्य के आधे गोत्र से अपनी अपनी चराइयों समेत आनेर और बिलाम शेष कहातियों के कुल को मिले। फिर गिरशोमियों को मनुष्य के आधे गोत्र के कुल में से तो अपनी अपनी चराइयों समेत बाशान का गोलान और अश्तारोत और इस्साकार के गोत्र में से अपनी अपनी चराइयों समेत केदेश, दाबरात, रामोत, आनेम और आशेर के गोत्र में से अपनी अपनी चराइयों समेत माशाल, अब्दोन, हुकोक और रहोब और नप्ताली के गोत्र में से अपनी अपनी चराइयों समेत गालील का केदेश, हम्मोन, किरियातैम मिले। फिर शेष लेवियों अर्थात मरासियों को जुबलून के गोत्र में से तो अपनी अपनी चराइयों समेत शिमोन और ताबोर और यरीहो के पास की यर्दन नदी की पूर्व ओर रूबेन के गोत्र में से तो अपनी अपनी चराइयों समेत जंगल का बेसेर, यहसा, कदेमोत और मेपाता और गाद के गोत्र में से अपनी अपनी चराइयों समेत गिलात का रामोत, महनैम, हेशोबोन और याजेर दिए गए।